गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। टीवी की गजब खबरें के स्पेशल सेगमेंट में आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस के अपकमिंग शो साथ निभाना साथिया 2 के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको साथिया 2 के टाइम स्लॉट, लॉन्च डेट के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि साथिया किस शो की जगह स्टार प्लस पे आएगा। जी हाँ, इसीलिए स्पेशल वीडियो हमने बनाया है ताकि सबसे पहले एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाए कि साथ निभाना साथिया स्टार प्लस पे किस शो को रिप्लेस करने वाला है। इससे पहले हम आपको इम्पॉर्टेंट डिटेल्स बताएं, अगर अभी तक आपने टीवी की गजब खबरें टेलीमीनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी सब्सक्राइब बटन को हिट करिए। टीवी की लेटेस्ट गॉसिप, न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको सिर्फ यही मिलेंगी, वो भी 2 मिनट के अंदर। तो जल्दी सब्सक्राइब बटन को हिट करिए क्योंकि टीवी की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हम आपको सबसे पहले पहुँचाएंगे। टीवी की गजब खबरें कि पुराने सेगमेंट में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि साथ निभाना साथिया सीज़न 2 इस बार प्राइम टाइम स्लॉट पे आएगा। जी हाँ, साथ निभाना साथिया का जो सीज़न 2 है, जो नया सीज़न है, अपकमिंग सीज़न है, वह इस बार 7 बजे नहीं आएगा। पिछला सीज़न 7 बजे आया था लेकिन इस बार वाला सीज़न 7 बजे नहीं आएगा, एक प्राइम टाइम स्लॉट पे आएगा। उड़ती उड़ती खबरें थी कि कसौटी जिंदगी की 2 जल्द ही बंद होने वाला है और साथ निभाना साथिया 8 बजे स्टार प्लस पे आ सकता है, लेकिन हम आपको एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचा दें कि साथ निभाना साथिया 8 बजे नहीं आएगा। साथिया का अगला सीज़न दिवाली के कुछ हफ्ते पहले शुरू होगा। स्टार प्लस दिवाली गिफ्ट देना चाहता है अपने दर्शकों को, इसलिए बहुत जल्दी वो सीज़न 2 लाने वाला है। लेकिन अगर आपको लगता है साथिया 8 बजे आएगा तो बिल्कुल गलत है, साथ निभाना साथिया 9 बजे आएगा। जी हाँ, इस न्यूज़ को सुन के आप थोड़े से शॉक में आ गए होंगे क्योंकि 9 बजे तो स्टार प्लस पे ये रिश्ते हैं प्यार के आता था। जी हाँ, शहीद शेख और रिया शर्मा का शो ये रिश्ते हैं प्यार के जल्द ही बंद होने वाला है, ये रिश्ते हैं प्यार के ऑफर होने वाला है। और ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपको मिली है टीवी की गजब खबरें में। जी हाँ, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जुलाई में 3 महीने के बाद जब हमारे इंडियन टेलीविज़न शोज़ वापस ऑन एयर आए, तब स्टार प्लस ने डिसीज़न लिया था कि जो ये रिश्ते हैं प्यार के को 10 बजे की जगह 9 बजे शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन शो को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, शो को सिर्फ नुकसान ही हुआ, शो की तैयारी दिन प्रतिदिन गिरती गई क्योंकि 9 बजे उसका कंपटीशन था कुमकुम भाग्य। जैसे कि आप जानते हैं, कुमकुम भाग्य वन ऑफ द लीडिंग शोज़ है इंडियन टेलीविज़न का, और कुमकुम भाग्य से टक्कर लेते हुए ये रिश्ते हैं प्यार के फिसड्डी साबित हुआ। वहीं रिसेंटली कलर्स टीवी पे लॉन्च हुआ शो पिंजरा खूबसूरती कहानी भी इस हफ्ते ये रिश्ते हैं प्यार के को टीआरपी के रेस में पछाड़ दिया है। तो स्टार प्लस ने डिसीजन ले लिया है ये रिश्ते हैं प्यार के स्टार कास्ट को ऑफिशियल अनाउंसमेंट जा चुकी है, ऑफिशियल नोटिस सबको मिल चुका है कि शो अब बंद होने वाला है। एक और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है साथिया और ये रिश्ते हैं प्यार के से रिलेटेड, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे और ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हम आपको बता दें, एक तरफ अनुपमा जहाँ टीआरपी के रेस में छाया हुआ है, वहीं ये रिश्ते हैं प्यार के थोड़ा सा डाउन हो चुका है। तो क्या साथ निभाना साथिया 9 बजे अपना जादू दिखा पाएगा? ये फिर से एकता कपूर वर्सेस रश्मि शर्मा होने वाला है। जी हाँ, हम पहले भी देख चुके हैं एकता कपूर वर्सेस रश्मि शर्मा, और एक बार फिर इंडियन टेलीविज़न में रश्मि शर्मा वर्सेस एकता कपूर होने वाला है। अब इस रेस में एकता कपूर जीतेंगी या रश्मि शर्मा, ये जो टाइम ही बताएगा। अभी तक तो एकता कपूर के सारे शोज़ डोमिनेट कर रहे हैं, रश्मि शर्मा का सिर्फ एक ही शो है जो काफ़ी अच्छा चल रहा है, लेकिन आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा।